नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और यहाँ का मेरा कार्ड नंबर 555 है। मेरा कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। अबाउट 2 साल से हम कमर दर्द से बहुत परेशान थे। हम पटना के निवासी हैं, पटना में रहते हैं और SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा कमर दर्द पहले तो थोड़ा था, फिर ये धीरे 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 कमर दर्द लगातार बढ़ते ही गया। इतना ज़्यादा बढ़ते गया कि मीन्स कि हम लाइब्रेरी में जाते थे तो फिर वहाँ पे पढ़ाई तक करने में मीन्स कि 1 घंटा बैठते थे, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था, हम वापस आकर के रूम में लेट जाते थे। फिर इस दर्द से निजात पाने के लिए हम स्टार्ट में PMCH गए, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहाँ पर अपना इलाज करवाए। तो एलोपैथ वाले ने कुछ दवाई दिया जो कि स्टार्ट में थोड़ा बहुत दर्द तो कम हुआ लेकिन पूरा तरह ठीक नहीं हुआ, वो वापस से पेन आ गया। फिर मैंने पारस का नाम सुना था, मैं पारस गया, वहाँ पे अपना इलाज कराया। तो वहाँ भी 5-6 महीने तक लगातार वो दवाई खाते रहे, पैन थोड़ा कम हो जाता था, फिर से वापस वैसे ही हो जाता था। तो लास्ट में वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि MRI करवा लूँ, देख लेते फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो फिर उन्होंने MRI के लिए बोला, मैंने MRI करवाया। MRI करवाने से पता चला कि मेरा स्लिप डिस्क हो गया है, L5S1 ऐसा स्लिप डिस्क हो गया। तो फिर उन्होंने बताया MRI का रिपोर्ट देख करके कि ये तो ऐसे ठीक नहीं होने जा रहा है, दवाई से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने जा रहा है, इसके लिए ऑपरेशन लगवाना ही पड़ेगा। तो फिर हम बहुत परेशान हो गए यार कि ऑपरेशन करवाना है, मतलब बहुत डर भी गए। फिर उसके बाद मैंने आपका यूट्यूब पे पहले भी वीडियो देख रखा था, जब मेरा कमर दर्द हो रहा था तो यूट्यूब पे आपका कुछ वीडियो देख रखा था। वो जब कमर दर्द हो रहा था तो उस मतलब उसी पीरियड में हम आपका एक्सरसाइज वगैरह जो आप बताए थे वो एक्सरसाइज वगैरह भी किया करते थे, उससे आराम बहुत हद तक आराम मिलता था लेकिन फिर वो पूरा तरह से नहीं क्योर हो पा रहा था। तो फिर हम सोचे कि आपसे जाकर कहीं आपके क्लिनिक पे, यहाँ पे करोल बाग दिल्ली में जो आपका क्लिनिक, यहाँ पे आकर के आपसे ही मिले और फिर आप जो सजेस्ट करेंगे जैसा ट्रीटमेंट वैसा ट्रीटमेंट लिया जाए तो शायद हमको ज़्यादा आराम मिले। तो फिर हम मम्मी पापा लोगों से बात की, अपनी दीदी लोग से बात की, फिर वापस यहाँ दिल्ली आ गए। हाँ, आरोग्य पीठ करोल बाग दिल्ली आपके क्लिनिक पे आए, फिर आपसे मिले, आपको अपना सारा समस्या बताए, तो आप बहुत अच्छे से समस्या को सुने और सहजता से उसका उपचार बताए और किए भी उपचार। यहाँ पे मेरा उपचार कुलदीप जी ने किया, यहाँ लगातार 20 दिनों तक मैंने ट्रीटमेंट करवाया, लगातार उन्होंने ही, कुलदीप जी ने ही मेरा ट्रीटमेंट किया। और शुरू से ही पहले दिन ही जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो हमको ऐसा लगा कि मतलब बहुत हद तक बहुत रिलीफ मिल गया। मीन्स कि 100% था तो 60-70% हमको बहुत रिलीफ लगने लगा। कुलदीप जी बार बार बोल रहे थे कि आपको आराम मिल गया, आराम मिल गया। हमको लग रहा था, खुद में लग रहा था कि यार आराम तो हो गया, क्या पता ये आराम कितना देर तक टिके। फिर मतलब ठीक है, आराम हो गया था लेकिन अबाउट 5-6 घंटे, मतलब 5-6 घंटे के बाद वापस से थोड़ा थोड़ा पैन आया, उतना नहीं आया। फिर डेली ट्रीटमेंट जैसे जैसे लेते गए वो रिड्यूस होते गया, वो जो दर्द था वो कम होते गया और धीरे धीरे मतलब अभी तो बहुत आराम, बहुत खुद में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत कम दर्द हो रहा है, मीन्स कि ना के बराबर हो रहा है। और यहाँ के सारे स्टाफ, सारे उपचार जो जो करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने ही उपचार बताया और मेरा ट्रीटमेंट हुआ जिससे हम ऑपरेशन भी नहीं करवा सके और खुद में बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। आपने तो बताया कि MRI करवा लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद।